बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष और पार्टी प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार पर आयकर विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के बाद बहन मायावती भाजपा सरकार पर भड़क गई और उन्होंने इसे बदले की भावना करार दिया। शुक्रवार को बसपा प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कदम उठाने से पहले भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भाजपा नेता अगर ये सोचते हैं कि वे बहुत ईमानदार हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि राजनीति में आने से पहले उनके परिवार की संपत्ति कितनी थी और अब कितनी है। उन्होंने मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि शोषितों वंचितों को आगे बढ़ाने में भाजपा को तकलीफ होती है। खुद को हरिश्चंद्र मानने वाली भाजपा बताए चुनाव के वक्त उनके पास 2,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए, क्या ये बेनामी संपत्ति नहीं है। मायावती ने कहा कि मोदी शाह की कंपनी से मेरा सवाल है कि दफ्तर बनाने के लिए अरबों खरबों रुपए कहाँ से आए, क्या ये बेनामी नहीं है। मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने वोट खरीदकर और ईवीएम के इस्तेमाल से सत्ता हासिल की है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता राजनीति में आने से पहले और अब भी मौजूदा संपत्ति का आंकड़ा दे। मायावती ने लोगों से अपील की है कि मेरे भाई पर कार्रवाई से डरने की जरूरत नहीं, अपने कारोबार पर ध्यान दे। बसपा प्रमुख का कहना है कि भाजपा को वंचितों को आगे बढ़ाने में तकलीफ होती है, भाजपा को अपनी ओर भी झांक कर देखना चाहिए। चुनाव के दौरान 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा भाजपा के खाते में आए, लेकिन इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।